हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय स्टिचेस। आज के इस वीडियो में हम प्रिंसेस कट का डिज़ाइनर ब्लाउज आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जिसे बनाना बिल्कुल ही आसान है और बिल्कुल इजी स्टेप से मैं आप लोगों को सिखाऊंगी। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम ब्लाउज का डिज़ाइन की ड्राफ्टिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फ्रंट पार्ट की ही कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट की कटिंग के लिए हम यहाँ पर ब्लाउज की लेंथ मेज़र कर लेते हैं। तो ये ब्लाउज़ हम थोड़ा सा डिज़ाइनर बनाएंगे, तो इसके लिए हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक की ज़रूरत पड़ेगी। तो जितना हम यहाँ पर अपना ब्लाउज़ लेते हैं, हमारा ब्लाउज़ की जितनी हमारी ब्लाउज़ की लेंथ है, हम एक बार वही मार्किंग कर लेते हैं। तो 14 इंच यहाँ पर मेरे ब्लाउज़ की टोटल जो लेंथ है। इसके बाद हमें यहाँ पर नीचे से डिज़ाइनर लुक यहाँ पर देना है। तो 5 इंच हम यहाँ पर एक्स्ट्रा यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे डिज़ाइनर ब्लाउज़ के लिए। तो हम यहाँ पर टोटल 19 इंच पे मार्किंग कर रहे हैं। इसमें हम स्टिचिंग जो हम करेंगे उसका मार्जिन भी ऐड है इसी में ही। तो ये 19 इंच पे मैंने मार्किंग कर ली है। अब यहाँ पर हम शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे। तो ब्लाउज़ का शोल्डर आपका जितना होता है उसको हाफ कर लीजिए। जितना भी आपका शोल्डर टोटल है उसको आप हाफ कर लीजिए। एक बार यहाँ पर हाफ के लिए मार्किंग लगा लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको 2 इंच माइनस कर देना है। ये जो मैं डिज़ाइन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, वह उस डिज़ाइन की मार्किंग बता रही हूँ। 2 इंच मैंने यहाँ पर माइनस कर दिया है शोल्डर में से। अब हमें यहाँ पर आर्म होल के लिए मार्किंग करनी है। तो जितना आपका यहाँ पर शोल्डर का हाफ यहाँ पर आता है उसमें से 1 इंच आप माइनस कर लीजिए। तो यहाँ पर जितना आपका आएगा उतना आप उसमें 1 इंच माइनस करके यहाँ पर मार्किंग कर लीजिए और इस मार्किंग को एक बार मैच कर लीजिए। तो जितनी है आपकी उससे यहाँ पर हाफ इंच अंदर की साइड में आपको मार्किंग करनी है, क्योंकि हम ये फ्रंट पार्ट की मार्किंग कर रहे हैं तो हम हाफ इंच कम लेते हैं आर्म होल में। तो ये मैंने हाफ इंच कम कर लिया है यहाँ से। इस मार्किंग को हम मिला लेंगे। अब हमें यहाँ पर आर्म होल की गोलाई लगानी है। फ्रंट पार्ट के लिए हम 1 इंच पर आर्म होल की गोलाई लगाते हैं। तो ये 1 इंच पे मैं मार्किंग करते हुए और आर्म होल की गोलाई लगा लेती हूँ। अब हमें यहाँ पर चेस्ट के लिए मार्किंग करनी है। तो चेस्ट आपकी जितनी है आप उसको 4 से डिवाइड कर लीजिए। जो आता है आपका वो यहाँ पर मार्क कर दीजिए। हाफ इंच यहाँ पर लूजिंग के लिए ऐड कर लीजिए और 1.5 से 2 इंच मार्जिन, सिलाई मार्जिन के लिए जो आप फैब्रिक रखते हैं उसके लिए ऐड कर दीजिए। टोटल मार्किंग हमने लगा दी है चेस्ट के लिए। आप अपने अकॉर्डिंग मार्किंग लगाते जाइएगा। मैं अपने जो ब्लाउज़ की मार्किंग लगा रही हूँ। अब हमें यहाँ पर बस्ट पॉइंट निकालना है। तो बस्ट पॉइंट आपका जितना चेस्ट है उसमें 1.5 इंच प्लस कर दीजिए, वही आपका बस्ट पॉइंट होगा। मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर मार्किंग लगा रही हूँ। यहाँ पर बस्ट की विड्थ आपको यहाँ पर निशान लगानी है, जो आप यहाँ पर टक्स में विड्थ रखने वाले हैं। तो जितना आपका चेस्ट है उसमें 10 में डिवाइड कर दीजिए। 10 से जो आपका आता है वही आपकी बस्ट की विड्थ होती है। तो इस और इस मार्किंग को इस तरह से आप नीचे तक मिला दीजिए। तो जितनी आपकी बस्ट की विड्थ है उसको आप इस तरह से स्ट्रेट कर लीजिए। अब हमें यहाँ पर कमर के लिए मार्किंग करनी है। तो कमर हमारी है यहाँ पर, जितनी आपकी कमर है उसको आप 4 से डिवाइड कर लीजिए। 4 से डिवाइड होने के बाद यहाँ पर हमें टक्स के लिए, कितना हमें यहाँ पर टक्स के लिए फैब्रिक चाहिए उसको हमें मार्जिन करना होगा। तो यहाँ पर हम जितना हमने यहाँ पर टोटल लिया है बस चेस्ट पॉइंट के लिए उतना ही एक बार के लिए हम यहाँ पर मार्किंग कर देते हैं। अब कमर वाला जो निशान है और यहाँ वाला जो निशान है, इसके बीच में जितना गैप है वही आपका यहाँ पर टक्स के लिए पॉइंट निकलेगा। तो हमें यहाँ पर ये नीचे तो डिज़ाइन हमें लुक क्रिएट करना है डिज़ाइनर, तो हम जो हमारी टोटल लेंथ है ब्लाउज़ की उसके अकॉर्डिंग मार्किंग करेंगे। तो जितनी आपकी लेंथ है ब्लाउज़ की आप उसके लिए यहाँ पर निशान लगा लीजिए इस तरह से, और इस निशान को आप इस तरह से स्ट्रेट में मिला लीजिए। यहाँ तक।
अब हमें यहाँ पर टक्स के लिए यहाँ से मार्किंग करनी है, तो जितना ये आपका आता है उसको आप हाफ में डिवाइड करके और यहाँ पर मार्किंग कर लीजिए। मेरा यहाँ पर 3 इंच आया है, तो 1.5 इंच मैंने इधर और 1.5 इंच इधर मार्किंग कर दी है। अब इस निशान को हम नीचे तक मिलाएंगे, ऊपर तक मिलाएंगे। तो एक बार के लिए हम डॉटेड पॉइंट से इस निशान को मिला देते हैं, उसके बाद हम इसकी थोड़ी सी राउंडिंग करेंगे। तो ये दोनों निशान मैंने मिला दिए हैं। इस तरह से अब हमें यहाँ पे प्रिंसेस कट वाली शेप देनी है। तो प्रिंसेस कट की शेप देने के लिए हमें यहाँ पर भी मार्किंग करनी पड़ेगी। अगर आप चाहें यहाँ पर 1 टक्स ब्लाउज बनाना, क्योंकि जो डिज़ाइन आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, उस डिज़ाइन को मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, तो उस डिज़ाइन के अकॉर्डिंग यहाँ पर 1 टक्स ही इस ब्लाउज में डिज़ाइन किया हुआ है। अगर आप चाहें यहाँ पर दूसरा भी टक्स लगाना, तो आप प्रिंसेस कट वाली शेप लगा सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर एक बार हम प्रिंसेस कट के लिए भी मार्किंग कर लेंगे, क्योंकि ये वाला जो टक्स है हम सिर्फ पेपर पर करेंगे, फैब्रिक पर जब हम कटिंग करेंगे तो इस टक्स को हम स्किप कर देंगे और वो जो टक्स के बीच में जो मार्जिन आता है यहाँ पर, वो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो इसको हम निशान लगा लेते हैं। जो ये हमारा आर्म होल का कॉर्नर है, यहाँ से हम 1 इंच पर निशान लगाएंगे। इस निशान से दोनों साइड में 1/2 इंच हम मार्जिन यहाँ पर इस तरह से लगा देंगे, 1 इंच से 1/2 इंच दोनों साइड। इस निशान को हमें यहाँ पर मिलाना है, तो यहाँ पर हम इस निशान को 1 इंच ऊपर की दूरी पे मिलाते हैं। इससे हमारा जो ये प्रिंसेस कट वाला जो शेप है वो बिल्कुल परफेक्ट आता है। तो यहाँ पर हम इसको स्ट्रेट में मिला लेंगे इस तरह से। इस तरह से, और इस निशान को हमें यहाँ तक मिला लेना है इस तरह से। अब यहाँ पे हमें प्रिंसेस कट वाली राउंड वाली जो शेप है वो लगानी है, तो इस तरह से हम इसको मिला देंगे। अब यहाँ पे हमें थोड़ा थोड़ा राउंड करते हुए और इस निशान को नीचे तक मिलाना है। इस तरह से, और इस निशान को हम इस तरह से स्ट्रेट कर देंगे। तो यहाँ से हम इस निशान को इस तरह से स्ट्रेट कर देंगे इस तरह से। इस तरह से ये हमारी हो गई प्रिंसेस कट की शेप। अब हमें यहाँ पर इसका पॉइंट सेंटर निकालना है, जहाँ पे हम जब स्टिचिंग करेंगे तो स्टिचिंग करते टाइम हमारा जो ये दोनों पार्ट है यहाँ पर स्टिचिंग करते हुए मैच होनी चाहिए। तो ये वाला हमारा है सेंटर पॉइंट, इसको हम आगे तक मिला देते हैं इस तरह से। जब हम स्टिचिंग करेंगे तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट यहाँ पर मैच होने चाहिए। ये दोनों मैच करते हुए हमें इस तरह से स्टिचिंग लगानी है। या तो आप यहाँ से शुरू करते हुए यहाँ तक ले आइए, या आप यहाँ से शुरू करते हुए यहाँ तक ले जाइए, वो आपके ऊपर है आप किस तरह से इसकी स्टिचिंग करते हैं। लेकिन ये जो पॉइंट है ये दोनों मैच होनी चाहिए स्टिचिंग करते टाइम। इस मैच अगर आपका ब्लाउज परफेक्ट फिटिंग में नहीं आता है, तो आपका सबसे बड़ा रीज़न यही होता है कि आप यहाँ से ज्वाइन करते हुए आप नीचे तक लेके जाते होंगे, या फिर यहाँ से ज्वाइन करते हुए दोनों निशानों को ऊपर तक लेके जाते होंगे। ये वाले पॉइंट मैच नहीं होंगे तो आपका जो बस्ट है वो ऊपर नीचे होता है, बैलेंस सही नहीं बनता इस फैब्रिक का। तो मेन जो होता है बस्ट का, यही पॉइंट हमें मैच करना होता है स्टिचिंग करते टाइम। तो ये वाला पॉइंट हमें मिलाना होता है, इसको हमने स्टेप में मिला दिया है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, कमर के लिए मार्किंग करनी है। तो कमर आपकी जितनी है उसको आप मेज़र कर लीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक जितना फैब्रिक बच गया है उतना आप यहाँ पर निशान लगा लीजिए, और जितनी आपकी कमर का 4 पार्ट है वो आप यहाँ पर रखिए इस तरह से, और जितना यहाँ पर फैब्रिक बचा था वहाँ तक आप यहाँ पर मार्किंग कर दीजिए। ये आपकी हो गई कमर। अब 1.5 इंच हमने ऊपर मार्जिन के लिए ऐड किया था, 1.5 इंच हम नीचे मार्जिन के लिए ऐड कर देंगे इस तरह से, और इन दोनों निशानों को मिला देंगे। तो प्रिंसेस कट की हमारी शेप लग गई है। अब हमें यहाँ पर नेक के लिए मार्किंग करनी है। तो जैसा कि आप डिज़ाइन में देख रहे हैं, हमारा इस डिज़ाइन में नेक स्क्वायर है, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर डिज़ाइन बनाएंगे, स्क्वायर ही हम यहाँ पर डिज़ाइन क्रिएट करेंगे। तो आप ब्लाउज की लेंथ, जो नेक की लेंथ है फ्रंट पार्ट की, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर 7 इंच लिया है, और जो ये ब्लाउज इसकी नेक की विड्थ है वो हम 2.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। तो इधर भी हम 2.5 इंच पर ही मार्किंग करेंगे इस तरह से, और यहाँ पर बॉक्स बना लेंगे। तो हम इसमें कोई भी अपनी तरफ से ऐड नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ स्क्वायर ही यहाँ पर नेक की शेप क्रिएट करेंगे। तो ये स्क्वायर में मैंने निशान लगा दिया है,
यही हमारी मार्किंग होगी। अगर आप इसमें कम नेक करना चाहें तो एक इंच कम कर सकते हैं, अगर ज़्यादा करना चाहें तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। लेकिन जो ये स्क्वायर नेक है ये बहुत ज़्यादा डीप हो जाता है 7 इंच पर भी, तो आप आधा इंच कम भी कर सकते हैं। ये मैंने सिर्फ डिज़ाइन के अकॉर्डिंग मार्किंग की है, आप अपने अकॉर्डिंग लेंथ नेक की बढ़ा और घटा सकते हैं। हम हाफ इंच अंदर की साइड में एक निशान लगाएंगे इस तरह से, और इस निशान को यहाँ पर मिलाएंगे, तो इससे जो हमारी ब्लाउज़ की शेप है बिल्कुल परफेक्ट आती है। हमारा ब्लाउज़ साइड में लटकता नहीं है, जो कोने से लटक जाते हैं वो वाला इशू नहीं होता है। तो अब हमें यहाँ पर डिज़ाइन की मार्किंग करनी है, तो डिज़ाइन की मार्किंग करने के लिए हमारा जो ये डिज़ाइन है ये इस पॉइंट को मैच कर रहा है, इस पॉइंट से मैच हो रहा है। जब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे तो ये वाला पार्ट बीच में से हट जाएगा और ये जहाँ पर जॉइंट होएगा वहाँ पर ये डिज़ाइन हमारा मिल रहा है। तो जितना ये हमारा लेंथ बचा है उसमें से हम हाफ इंच माइनस कर लेंगे, यानी कि हम यहाँ से ले लेंगे 1.5 इंच, 1.5 इंच पे हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे और इस डिज़ाइन को यहाँ तक हम मिला देंगे इस तरह से। इस तरह से ये डिज़ाइन हमने यहाँ पर मिला दिया, क्योंकि ये तो हमारा इसी के साथ जॉइंट हो जाएगा, तो ये जॉइंट होकर इसी से अटैच हो जाएगा। उसके बाद ये हमारा जो डिज़ाइन है ये इसी तरह से मिल जाएगा। अब इसकी लेंथ आप कितना रखना चाहते हैं आप अपने अकॉर्डिंग रख लीजिए। यहाँ पे आप ये 4 इंच अगर लेंथ रखना चाहते हैं तो 4 इंच, अगर 5 इंच रखना चाहते हैं तो 5 इंच। मैं यहाँ पे 4 इंच लेंथ रखूँगी, तो मैंने ये 1/2 इंच यहाँ पर सिर्फ फोल्डिंग के लिए ऐड कर दिया है। अब यहाँ से हम 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह से, और इस निशान को ऊपर मिला देंगे यहाँ पर। अब हमें इससे मार्किंग के ऊपर कटिंग कर लेनी है। तो ये हमारा हो गया है यहाँ तक का डिज़ाइन, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक हमें इस तरह से कटिंग करते जाना है। ये हमारा हो गया नेक। अब यहाँ पे नेक की साइड में हम 2 पॉइंट कम कर देते हैं, जिससे जो हमारा आर्म होल है वो हमारा नीचे की तरफ खिसकता नहीं है शोल्डर की साइड में। तो इस तरह से हम इधर कम करते हैं डीप नेक में, तो बैक का जो नेक है वो भी हमारा डीप बनेगा और फ्रंट का नेक हमारा स्क्वायर है, तो इसमें शोल्डर गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए हम यहाँ से नेक की साइड से 2 पॉइंट कम कर देते हैं। तो ये मैंने कम कर दिया। अब है यहाँ पे ये वाली डार्ट को बंद करने का इश्यू, तो इस वाली डार्ट को हम कट करके इसी के साथ अटैच कर देंगे, और जो वाली मार्किंग हमारी आएगी वही मार्किंग हम फैब्रिक पर कट करेंगे। तो एक बार के लिए हम इसी को कट कर लेते हैं, उसके बाद मैं इस मार्किंग को क्लोज कर दूँगी। अब ये मार्किंग जो है ये हमें इसके साथ इस तरह से मैच करते हुए और यहाँ पे इसके साथ इसके ऊपर टेप लगा देंगे हम, तो ये वाली जो मार्किंग है हमारी यहाँ पर क्लोज हो जाएगी। तो जब हम फैब्रिक पर इसकी कटिंग करेंगे पैटर्न को रखते हुए, तो ये वाली मार्किंग हम इसके साथ हमने जॉइंट कर ली है, तो ये वाली डार्ट हम फैब्रिक पे नहीं डालेंगे। अगर आप चाहें दोनों डार्ट लगाना तो आपके ऊपर है, यहाँ पर आप इसको क्लोज ना करके और सेम इसी तरह से आप मार्किंग कर सकते हैं फैब्रिक पे। इसको हम कर देंगे यहाँ पर क्लोज। तो ये देखिए, ये मैंने टेप लगा के इस डार्ट को क्लोज कर दिया है यहाँ। तो फ्रंट पार्ट की ऑलमोस्ट हमारी मार्किंग हो गई है, अब हमें यहाँ पर बैक पार्ट की मार्किंग कर लेनी। अब हमें यहाँ पर बैक पार्ट के लिए लेंथ मार्किंग करनी है, तो जो हमने लेंथ फ्रंट पार्ट में रखी थी उससे हमें कम ले लेना है। तो बैक फ्रंट पार्ट में हमने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग लेंथ बढ़ा ली थी, यहाँ पर हम सिर्फ 1 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा लेंगे, 15 इंच पर हम मार्किंग करेंगे लेंथ की, और 1/2 इंच फैब्रिक पे ही हम मार्जिन लेंगे। पेपर पे हम मार्जिन नहीं ले रहे हैं हुक आई की पट्टी के लिए, तो इसमें हम मार्जिन इधर नहीं ले रहे हैं। अब यहाँ पर हमने जो बैक पार्ट में शोल्डर के लिए मार्किंग की थी उसी मार्किंग को हम यहाँ पर लगाएंगे इस तरह से स्ट्रेट करते हुए। 5 इंच पे हमने बैक पार्ट फ्रंट पार्ट में शोल्डर लिया था, 5 इंच पे हम यहाँ मार्किंग करेंगे। 6 इंच पे हमने आर्म होल के लिए निशान लगाया था, इस निशान को हम मिला देंगे स्ट्रेट में इस तरह से। 6 इंच को भी हम मिला देंगे इस तरह से। 1.5 इंच पे हम आर्म होल की गोलाई लगाएंगे, आर्म होल की। यहाँ पे चेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे, तो जो चेस्ट का हमने फ्रंट पार्ट में निशान लगाया है वही हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। बस हमें यहाँ पर जो हमारी चेस्ट है उसमें से 1/2 इंच कम कर देना है, क्योंकि ये जो हमारा बैक पार्ट का नेक है ये हमारा बहुत ज़्यादा डीप है, तो हम इसमें 1/2 इंच कम करके निशान लगाएंगे
क्योंकि डीप नेक होने से और ये पहले ही हमारा बाहर की साइड में फैलता है, तो इसलिए हम यहाँ पर हाफ इंच चेस्ट के लिए कम कर देंगे। अब यहाँ पे हम कमर के लिए मार्किंग करेंगे, तो जितना कमर है आपकी उसको 4 से डिवाइड करके यहाँ पे निशान लगाइए। 1 इंच यहाँ पे डार्ट के लिए निशान लगाइए और 1.5 इंच मार्जिन के लिए ऐड कर दीजिए। अब इन निशानों को आप मिला लीजिए इस तरह से। तो ये निशान मैंने मिला दिए हैं। अब हाफ इंच अंदर की साइड में इस तरह से मार्किंग करते हुए और हम इसको इधर मिलाएंगे। तो पहले हम डार्ट के लिए निशान लगा लेते हैं यहाँ पर। तो जो फ्रंट पार्ट में हमने डार्ट लगाई थी उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर बैक पार्ट में भी डार्ट लगा लेंगे इस तरह से, और इसको इस तरह से सीधा कर लेंगे। और 1 इंच का यहाँ पर हमने निशान लगाया है डार्ट के लिए, तो हाफ हाफ इंच दोनों साइड में इस तरह से निशान को मिला लेंगे और इस तरह से ही इसको ऊपर मिला देंगे। इस तरह से, तो ये डार्ट का भी हमारी मार्किंग हो गई है। अब हमें यहाँ पर नेक की मार्किंग करनी है। तो 2.5 इंच का नेक की विड्थ हमने फ्रंट पार्ट में ली थी, वही हम यहाँ पर लेंगे। लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ले सकते हैं, तो जितनी आप यहाँ पर पट्टी रखना चाहें उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर नेक की लेंथ रखिएगा। अगर आप और इसको कम करना चाहें तो कम भी कर सकते हैं, लेकिन जो डिज़ाइन में दिखाया गया है सेम उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर मार्किंग कर रही हूँ। तो मैक्सिमम यहाँ पर 3 इंच की, 2.5 से 3 इंच की यहाँ पर बैक पट्टी है डिज़ाइन में, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर निशान लगाया है। तो ये टोटल हमारे नेक की लेंथ जो है ये 12 इंच, 11.5 से 12 इंच हो जाएगी, ये देखिए। अब इसकी विड्थ रखेंगे तो बैक में भी हमारा जो नेक है वो स्क्वायर है, तो बैक में भी हम स्क्वायर नेक पे मार्किंग करेंगे इस तरह से। हमने यहाँ पर डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ही नेक की शेप रखी है, आप अपने अकॉर्डिंग नेक की कोई भी शेप रख सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यही वाला नेक रखें, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप इसी नेक के अकॉर्डिंग लेंथ रखें। आप अपने अकॉर्डिंग नेक की लेंथ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 2 पॉइंट हम यहाँ नेक की साइड से कम कर लेंगे और यहाँ पर शोल्डर वाले पॉइंट से इसको मिला देंगे। तो ये हमारी बैक पार्ट की भी मार्किंग हो गई है, इसी मार्किंग के ऊपर हमें कटिंग कर लेना है। तो उससे पहले इस लाइन को हम यहाँ टक्स वाली लाइन से मिलाएंगे। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। हमारे पैटर्न कंप्लीट हैं। अब हमें यहाँ पर स्लीव्स के लिए कटिंग करनी है। तो स्लीव्स हमारे इस डिज़ाइन में पफी स्लीव्स जिसमें बनाई गई है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे। तो स्लीव्स हम किस जिस तरह से कटिंग करते हैं उसी तरह से हम स्लीव्स की मार्किंग करेंगे। तो जितना हमारा चेस्ट पॉइंट होता है उसी के अकॉर्डिंग हमें स्लीव्स की चौड़ाई लेनी होती है। तो यहाँ पे मेरा चेस्ट पॉइंट जो है मैं उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे विड्थ रख रही हूँ स्लीव्स की, और लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये मैंने 6 इंच पे मार्किंग की है, क्योंकि इस डिज़ाइन में जो है वो स्लीव्स की लेंथ थोड़ी सी 5 या 6 इंच ही है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे निशान लगाया है। अब हम यहाँ पे स्लीव्स को यहाँ पे कम करेंगे। तो मैं यहाँ पे 2.5 इंच पे स्लीव्स के लिए मार्किंग कर रही हूँ इस तरह से। इस निशान को हम इस तरह से मिलाएंगे यहाँ तक। और ये जितना हमने यहाँ पे निशान लगाया है उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर निशान लगाएंगे इस तरह से, और इसको भी यहाँ पर मिला लेंगे डॉटेड पॉइंट में। इस तरह से मिलाते हुए एक बार के लिए हम मार्किंग कर लेंगे। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, ये जो हमारा पॉइंट है इसको हाफ में डिवाइड करना है इस तरह से। यहाँ पर मार्किंग करेंगे इसी तरह से, इसको भी हाफ में डिवाइड करेंगे और यहाँ पे मार्किंग करेंगे। अब यहाँ पे जो हाफ़ में हमने डिवाइड किया है इसको हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे और यहाँ पे मार्किंग करेंगे। तो यहाँ तक हमारी स्लीव्स आएगी बिल्कुल स्ट्रेट। यहाँ से हमें स्लीव्स की गोलाई रखनी है, तो यहाँ पर हम 2.5 इंच पर इस साइड से 2.5 इंच पर मार्किंग करेंगे इस तरह से, और यहाँ पर हम इसकी गोलाई लगा लेते हैं स्लीव्स की इस तरह से।
इस तरह से। तो ये स्लीव्स हमारी जो हम शॉर्ट स्लीव बनाते हैं तो इसी तरह से बनाते हैं। अब हमें यहाँ पर स्लीव्स पफी बनानी है थोड़ी सी, तो हम यहाँ पे जितना आप यहाँ पे पफ क्रिएट करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग स्लीव्स की लेंथ बढ़ा लीजिए। मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक यहाँ पे ले रही हूँ, तो 5 इंच मैंने एक्स्ट्रा ले लिया है। और जिस तरह से हमने यहाँ पे 2.5 इंच की मार्किंग की थी उसी तरह से 2.5 इंच की यहाँ पर मार्किंग करेंगे इस तरह से। और इस मार्किंग को हमें इस तरह से राउंड लगाते हुए और यहाँ पर मिला लेना है। तो जिस तरह से हम पफी स्लीव बनाते हैं सेम वही पैटर्न है यहाँ पर, सिर्फ हमें थोड़ा सा लेंथ ऊपर पफ के लिए बढ़ा देनी है इसकी, और इस तरह से इसकी मार्किंग कर लेनी है इस तरह से। तो ये हमारी पफी स्लीव भी हो गई। जब हम इसमें थोड़ी सी वो चुन्नटें डालेंगे तो इसमें थोड़ा सा लुक अच्छा आएगा। अब हमें यहाँ पर स्लीव्स की जो हम चौड़ाई खुला ओपन रखते हैं वो यहाँ पे मार्किंग करनी है। आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिए। मैं यहाँ पे 6 इंच रख रही हूँ, 6 1/2 इंच, और 1.5 इंच यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा मार्जिन रख रही हूँ। अभी निशानों को हम मिला देंगे इस तरह से, और जो हमारा यहाँ पे निशान आएगा फिटिंग वाला उस निशान को हम यहाँ पर मिला देंगे। तो ये बाद में हम जब स्लीव कट करेंगे उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर कट कर देंगे। अब हम यहाँ पर जो हमारे फ्रंट पार्ट में स्लीव का मार्किंग करते हैं 1/2 इंच, वो अंदर की साइड में इस तरह से यहाँ से इस तरह से कट करते चले जाएंगे। ये फ्रंट पार्ट की स्लीव जब हम कट करेंगे तो यहाँ पे कट करनी है, ये बैक पार्ट जो हमारा पीछे जाता है। तो ये हवाली हमारी जो हम स्लीव की भी मार्किंग हो गई है, और ये ब्लाउज़ की ऑलमोस्ट मार्किंग मैंने कर ली है। अब इसी पैटर्न को रखते हुए हमें फैब्रिक पर भी मार्किंग करते हुए और कटिंग कर लेनी है, उसके बाद हमें स्टिचिंग कर लेनी है। तो आज का हमारा ये ड्राफ्टिंग का वीडियो कंप्लीट होता है। गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो और आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल रहा हो वीडियो, तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और साथ साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट किसी अच्छे से और ब्यूटीफुल से ट्रेंडिंग डिज़ाइन को लेके। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।